नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आओ लिखे पर। आज हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे, तो आओ लिखें। हिंदी साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनकी जन्मतिथि तथा जन्म स्थान को लेकर काफी मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनकी जन्मतिथि 1511, कुछ 1554 तथा कुछ इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के सोरो क्षेत्र तथा कुछ गोंडा जिले के सुकर खेत में भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के बाद सबसे पहले इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे इनका नाम राम बोला पड़ गया। जन्म के बाद इनकी माँ का निधन हो गया। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए इन्हें एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। इनके गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था, जिनसे इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ तुलसीदास जी का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां इन्होंने शेठ सनातन जी के पास रहकर वेद वेदांग का अध्ययन किया। वहां रहते हुए एक दिन वे अपनी पत्नी की याद में व्याकुल हो उठे और अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए पत्नी से मिलने अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने उन्हें बहुत फटकारा, जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। काशी के असी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तुलसीदास जी की रचनाएं। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।